वही दादा। अदरक वाली चाय। थैंक यू। दीदी ये तस्वीर किसकी है? ये मेरे हस्बैंड है। हाँ? 3 साल पहले। बस समझ गया, कुछ मत बोलिए और मैं सुन नहीं सकता। ऊपर वाला इतना बेरहम नहीं हो सकता। अरे और ना कभी होना। नहीं नहीं वो... अरे क्या नहीं नहीं यार, वो इतनी कुर्बानी हमारे घर से नहीं लेगा। मेरी बात तो सुन। अभी कुछ नहीं होगा गलत, मैं बोल रहा हूँ। मेरी बात। अरे क्या नहीं नहीं यार, पहाड़ जैसा। क्या नहीं नहीं भास्कर चुप कर, मेरी बात तो सुन। नहीं 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 क्या हुआ था, क्या बीमारी क्या थी उसको? नहीं नहीं वो। अबे चुप, बीमारी तुझे पूरी बात नहीं सुनने की। क्यों क्या हुआ? जीजा जी अमेरिका में नासा में साइंटिस्ट हैं, हट्टे कट्टे हुश पुश और तंदुरुस्त हैं, यानी कि जिंदा हैं, 2 बच्चों के बाप और शादीशुदा हैं। वही तो मैं सोच रहा था कि जिसकी आंखों में इतनी लाइट हो उसका बल्ब फ्यूज हो ही नहीं सकता है। जिया जी की लंबी उम्र हो ऐसी मैं दुआ करता हूँ। ओके दीदी। वो तो लग जाएगी भैया, फिलहाल मैं खाना लगाती हूँ। आज मैंने प्रेम भाई की फेवरेट डिश बनाई है, चिकन तंदूरी। ओह मुर्गी तंदूरी। अरे मैं तो नौनौ खा जाता हूँ। हाँ, और जब दोनों की पसंद है मुर्गी तंदूरी तो फिर क्यों रहे मन में दूरी। गरम गरम दाल तैयार है। क्या खाना है? दीदी थोड़ा मक्खन इधर करेंगे, मैं आजकल थोड़ा डाइटिंग कर रहा हूँ ना। थोड़ा ये लो, डाइटिंग कर रहे मक्खन के साथ। इतिहास में पिछली बार यशोदा मैया ने कृष्ण कन्हैया लाल को जैसे मक्खन खिलाया था ना, ऐसा मक्खन मुझे आप लोग क्या खाने मिल रहा है? क्या गुड लक है। सुन, ये मेरी बहन है, कोई ब्रेड का टुकड़ा नहीं है जिसे तू मक्खन मारे ही जा रहा है। ओ यार ये क्या, ये कहाँ से आवाज निकली?